हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूया पूरी तरह चेंज हो चुका था, और अगर आपने अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप वो देख लो। अब आगे यहाँ पे हम उसी लड़की को देखते हैं जिसकी यूया ने एपिसोड 1 में जान बचाई थी। फिर वो यूया के पास आकर पूछती है, क्या तुम ही यूया हो, जिसका वो हाँ में जवाब देता है। फिर वो यूया से कहती है कि तुम तो पहले से बहुत ही पतले हो गए हो। यहाँ पे यूया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, जिसपे वो यूया से कहती है कि तुमने कुछ दिन पहले मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर यूया को सब याद आ जाता है, जिसपे यूया कहता है, हाँ बचाया तो था, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता है। जिसपे वो लड़की कहती है कि इसीलिए मैंने तुम पे नजर रखवाई थी। इसके बाद वो यूया से कहती है कि क्या तुम ओसिया एकेडमी में आना चाहोगे, जिसे सुनकर यूया कहता है कि ये तो वही सुपर एलिट स्कूल है ना। जिसपे वो लड़की यूया को अपने बारे में बताती है। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम काओरी होजो है, मैं ओसिया एकेडमी के स्टूडेंट काउंसिल की एक ऑफिसर हूँ। काओरी के पास खड़ी लेडी आगे बताती है कि काओरी के पिता ओसिया स्कूल के चेयरमैन हैं। जब उन्हें पता चला कि तुमने काओरी की जान बचाई है, तभी से वो चाहते हैं कि तुम भी ओसिया एकेडमी में ही पढ़ो। जिसपे यूया कहता है कि मैंने तो थोड़ी सी हेल्प की थी बस, और मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना अच्छा हूँ कि मैं ओसिया जैसे स्कूल में पढ़ सकूँ। ये सुनकर पीछे खड़े चंगू मंगू कहते हैं कि यूया के जगह पे क्या हम दोनों जा सकते हैं। जिसपे काओरी मना करते हुए कहती है कि नहीं, ये ऑफर सिर्फ यूया के लिए है, और मैं कभी ऐसो को ओसिया एकेडमी में नहीं आने दूंगी जो दूसरे को बुली करते हैं। ये सुनकर उन दोनों की बत्ती गुल हो जाती है और वो दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं। इसके बाद काओरी यूया के पास जाकर कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हमारे एकेडमी पर्सन के कैरेक्टर और स्ट्रेंथ को प्रायोरिटी देती है, ना कि उसकी एकेडमिक पढ़ाई की। तभी पीछे खड़ी लेडी एक बार फिर बोलती है, समझाने से अच्छा है कि हम यूया को अपने स्कूल ही दिखा दे। यूया को भी ये आइडिया सही लगता है और फिर वो उनके साथ चला जाता है। थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं कि यूया ओसी एकेडमी पहुंच चुका था। यहाँ यूया काओरी से कह रहा होता है कि मैंने स्कूल के बारे में तो बहुत ही सुना है कि जो भी इस एकेडमी में आता है उसका फ्यूचर सेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग सीधे चेयरमैन के ऑफिस में जाते हैं। यहाँ चेयरमैन का नाम सुकासा होजो था। फिर वो यूया को काओरी को बचाने के लिए थैंक यू बोल रहे होते हैं, जिसपे यूया उनसे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ खास तो किया नहीं। जिसपे काओरी कहती है कि वहाँ पे सभी लोग मुझे देख के अनदेखा कर रहे थे, बस तुम ही मेरी मदद करने को आगे आए। फिर काओरी के पिता यूया से कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए बहुत ही प्राउड होना चाहिए, हमारी एकेडमी को तुम्हारे जैसे लड़के की तलाश रहती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे स्कूल में एडमिशन ले लो, और तो और तुम्हें फीस की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे यूया कहता है कि मेरे जैसा लड़का इतने एलीट स्कूल में कैसे पढ़ सकता है। जिसपे फिर से चेयरमैन कहते हैं कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ही बताता है कि तुम इस एलीट स्कूल में पढ़ने के बिल्कुल लायक हो। चेयरमैन यूया से ये भी कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। चेयरमैन की बात सुनकर यूया को अपने दादाजी की याद आ जाती है। फिर चेयरमैन यूया से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम नर्वस फील कर रहे हो, इसीलिए क्यों ना तुम आज के लिए एक ट्रायल ले लो। इनके बीच बात हो ही रही थी तभी वहाँ पे एक टीचर आ जाती है जिनका नाम स्वादा था। फिर चेयरमैन स्वादा से कहते हैं कि तुम बहुत सही टाइम पे आई हो, यूया अपना ट्रायल क्लास का एक्सपीरियंस तुम्हारे क्लास में ले सकता है। जिसपे स्वादा भी मान जाती है। यहाँ में स्वादा यूया से कहती है कि तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा क्लास अच्छा ही जाएगा। यहाँ चेयरमैन बताते हैं कि स्वादा मैम साइंस की एक्सपर्ट है और सभी स्टूडेंट्स की फेवरेट भी। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूया अपना ट्रायल लेने के लिए क्लासरूम के सामने खड़ा था। वो यहाँ नर्वस होके सोच रहा था कि क्या मैं इंजीनियस लोगों के साथ घुल मिल पाऊंगा या भी नहीं। तभी मिस स्वादा यूया को क्लास के अंदर बुलाती है। फिर यूया हिम्मत जुटाकर क्लास के अंदर एंटर करता है और फिर सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। क्लास के अंदर सभी यूया को घूर रहे होते हैं। कुछ लड़कियां तो इसलिए घूर रही थी क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था। फिर यूया अपने सीट पर जाकर बैठ जाता है। मिस स्वादा यहाँ पे योडो नाम की लड़की से कहते हैं कि यूया के साथ तुम अपना बुक शेयर करो, क्योंकि वो यूया के बगल में ही बैठी होती है। योडो ठीक ऐसा ही करती है, जिसपे यूया योडो से कहता है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे मिस स्वादा क्लास में पढ़ाना शुरू कर देती है। यूया को भी यहाँ पे क्लास इजी लग रहा था। साथ में वो ये भी नोटिस करता है कि सारे बच्चे पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस हैं। ऐसा क्लास यूया ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। क्लास खत्म होने के बाद बहुत से बच्चे यूया के पास आकर बहुत से क्वेश्चन पूछने लगते हैं, जैसे कि वो कौन से क्लब में है, वो कौन से स्कूल से आया है, उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं। अभी यूया यहाँ पे बहुत ही नर्वस हो रहा होता है। तभी एक लड़का वहाँ पर आकर सभी से कहता है कि इसे कम से कम लंच तो कर लेने दो, फिर बाद में अपना केबीसी खेलते रहना।
फिर वहाँ से सभी चले जाते हैं। फिर वो लड़का अपना नाम युया को बताता है जो कि रियो था। फिर वो युया से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे। ये सुनकर युया को भी अच्छा लगता है। फिर जब वो दोनों कैफेटेरिया पहुँचते हैं, युया ये देखकर हैरान हो जाता है कि कितना सारा खाना कितने कम दामों में था। फिर वो दोनों अपना लंच लेकर सीट ढूंढ रहे होते हैं, तभी एक सिंगो नाम का लड़का उन्हें अपने पास बैठने को बुलाता है। वो दोनों ठीक ऐसा ही करते हैं। यहाँ युया देख रहा होता है कि अभी भी सब लोग उसे घूरे जा रहे थे, जिसपे वो रियो से पूछता है कि क्या सभी इसीलिए मुझे देख रहे हैं कि मैंने अलग यूनिफॉर्म पहना है। जिसपे रियो जवाब देता है कि नहीं, वो तुम्हारे यूनिफॉर्म को नहीं तुम्हारे शक्ल को घूर रहे हैं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ क्लास खत्म हो चुकी थी। चेयरमैन यहाँ युया से पूछता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। जिसपे युया कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छा बात तो ये लगा कि सब एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं। इसे सुनकर चेयरमैन युया से एक बार फिर पूछता है, क्या तुम यहाँ पढ़ना चाहोगे। जिसपे युया कहता है कि क्या सही मेरे जैसा कोई यहाँ आके पढ़ सकता है। जिसपे चेयरमैन कहते हैं कि तुम अपना वैल्यू खुद ही नहीं जानते, मेरे हिसाब से तुम इस स्कूल के लिए सबसे परफेक्ट हो। जिसपे युया कहता है कि ठीक है सर, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। फिर वो जैसे ही चेयरमैन के ऑफिस से बाहर आता है, तभी देखता है कि वहाँ पर कावरी खड़ी थी। कावरी यहाँ युया से पूछती है, फिर तुमने क्या सोचा, तुम यहाँ आ रहे हो या नहीं। जिसपे युया कहता है कि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हाँ मैं यहाँ जरूर आना चाहूंगा। ये सुनकर कावरी भी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो युया से पूछती है कि क्या तुम अभी मेरे साथ कहीं बाहर चलोगे। फिर हम देखते हैं कि कावरी युया को लेकर एक मार्केट आई हुई थी, जहाँ पे स्कूल के खत्म होने के बाद ज्यादातर बच्चे आते थे, क्योंकि ये बहुत ही पॉश एरिया था। यहाँ युया कावरी से पूछता है कि क्या तुम यहाँ अपने दोस्तों के साथ आया करती हो। जिसपे कावरी कहती है कि मेरी फैमिली और मेरे फादर के वर्क के कारण मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानती, लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ आना चाहती थी। ये सुनकर युया बहुत ही शर्मा जाता है और वो बात घुमाते हुए कहता है कि हमें आइसक्रीम ट्राई करना चाहिए। फिर वो दोनों जाकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। यहाँ युया सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ कि मुझे दूसरे वर्ल्ड से पैसे मिल जाते हैं, नहीं तो मैं ये आइसक्रीम भी नहीं खरीद पाता। फिर यहाँ युया कावरी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें बचाया था, क्योंकि अब तो मैं बहुत ही चेंज हो गया हूँ। जिसका कावरी जवाब देती है कि तुम्हारी आंखें तो अभी भी सेम है, भले तुम थोड़े पतले हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हारी आंखें नहीं भूल सकती। ये सुनकर युया फिर से शर्माने लगता है। फिर कावरी अपना आइसक्रीम युया के साथ शेयर करती है, जिससे युया शर्माते हुए एक बाइट लेता है। फिर वो भी अपना आइसक्रीम कावरी के साथ शेयर करता है। ये सब देख कर आस पास के लोग बातें कर रहे होते कि देखो ये कितना क्यूट कपल है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि युया दूसरे वर्ल्ड में जाने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि एक बार उसने नए स्कूल में एडमिशन ले लिया फिर वो बहुत बिजी हो जाएगा। दूसरे दुनिया में जाते ही उसके सामना एक स्लाइम मॉन्स्टर से होता है। फिर वो जैसे तैसे करके उस स्लाइम मॉन्स्टर को हरा देता है। उसे मारने के बाद उससे गिरा हुआ सारा आइटम को युया कलेक्ट कर लेता है। हम देखते हैं कि युया अभी लेवल 235 पे था। युया यहाँ गौर करता है कि उसका लेवल पहले के मुकाबले बहुत ही स्लो बढ़ रहा है, जिसके लिए वो फाइनली डिसाइड करता है अब उसे फेंस के बाहर जाना ही पड़ेगा पावरफुल मॉन्स्टर की तलाश में। वो जैसे ही फेंस के बाहर आता है, उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसपे युया आवाज की तरफ तेजी से भागता है। युया जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी दिखती है और उन्हें मारने वाला मॉन्स्टर भी सामने ही खड़ा था, जिसका लेवल 200 था। तभी युया की नजर एक लड़की पे पड़ती है, जिसपे वो मॉन्स्टर हमला करने ही वाला होता है। तभी युया उस मॉन्स्टर पे अपने वेपन से हमला कर देता है। युया बहुत मुश्किल से इस मॉन्स्टर को हरा पाता है, क्योंकि ये थोड़ा पावरफुल था। मॉन्स्टर को हराने के बाद युया उस लड़की के पास पहुंचता है, लेकिन यहाँ वो लड़की बेहोश हो चुकी थी। युया देखता है कि उस लड़की को ढूंढते हुए कुछ लोग वहाँ पर आ रहे हैं। युया अपना इनविजिबल स्किल यूज करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो लोग भी वहाँ पे उस लड़की को जिंदा देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। तो गाइस, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे एनिमे वीडियोस लाता रहूं। ओके बाय।